हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज की हड़ताल आज शनिवार को भी जारी रही। वहीं हड़ताल के दौरान एक भी रोडवेज की बस डिपो से बाहर नहीं निकली। डिपो के मेन गेट पर जंजीर लगाकर लॉक लगा दिया गया। पूरे दिन रोडवेज डिपो ताले में कैद रहा। वहीं डिपो के बाहर चक्का जाम हड़ताल के दौरान कर्मचारी धरने पर बैठे रहे और विरोध प्रदर्शन करते रहे। वहीं अस्पताल चौराहे पर प्राइवेट बसों में सवारियों से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। क्या करें, यात्रियों की भी मजबूरी की उनको किसी भी साधन से घर जाना होता है तो मुंह मांगे पैसे देकर जाना पड़ता है। यात्री परेशान नजर आए। इधर जानकारी मिली है कि नया बस स्टैंड के बाहर खड़ी बस के चक्के और बैटरी चोरी हो गए हैं। पुलिस के कहने पर ड्राइवर ने बस रोडवेज डिपो में लाकर खड़ी कर दी है। रोडवेज की हड़ताल थी तो यहाँ गाड़ी आई और सरदार जी को मैंने कहा कि भी सरदार जी कहाँ खड़ी कर, तो सरदार जी ने कहा बस स्टैंड में मंगल सिंह खड़ी कर दी। तो मैं बस स्टैंड में खड़ी करके घर चला गया। फिर मैं 4-6 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में यहाँ बस स्टैंड से वर्कशॉप में कोई अज्ञात आदमी गाड़ी ले आया और यहाँ से अज्ञात आदमी कोई लेके सीधा धवला रोड चला गया और धवला रोड जाके टायर वायर खोल दिए और वो फिर पेपर में आया दूसरे दिन। तो मैं गांव था तो मैंने देखा, तो मैं यहाँ आया और यहाँ आके मैंने पुलिस को FIR दर्ज करवाई। अज्ञात आदमी के खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराई और सरदार जी को फोन किया मैंने, मगर अभी तक आए नहीं है सरदार जी। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।